क्या आप जानते हैं भारत के किस फेडरेशन को इंडियन फ्लैग बनाने की परमिशन है, या क्या आपने कभी गोल्डन ब्लड के बारे में सुना है, और क्या आप जानते हैं 1 घंटे में सबसे ज़्यादा पेड़ लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? अगर नहीं तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो मैं हूँ राज, आप लोग देख रहे स्टार्ट फैक्ट हब। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, टाइटल इंटरेस्टिंग एंड एंजिमेटिक फैक्ट्स एपिसोड 6। फैक्ट नंबर 24, पेरू का ये वाटरफॉल यानी झरना वाटरफॉल ऑफ ब्राइड के नाम से फेमस है। ये बिल्कुल एक दुल्हन की गाउन जैसा दिखता है। फैक्ट नंबर 23, डीसी एक फेमस फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है जो कि वार्नर ब्रॉस स्टूडियोज के अंदर आता है। तो डीसी के वन ऑफ द बेस्ट फिल्म जोकर में जोकर का किरदार निभाने वाले जॉक्विन फियोनिक्स ने अपने बच्चे का नाम अपने छोटे भाई राइवर के नाम पर रखा है जो कि 23 साल की उम्र में चल बसा था। फैक्ट नंबर 22, भारत का तिरंगा भारत की आन मान और शान है। लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि भारत के किसी भी फेडरेशन या इंडस्ट्री को इंडियन फ्लैग बनाने और सप्लाई करने की परमिशन नहीं है। कर्नाटक के कर्नाटक खाड़ी ग्राम उद्योग संयुक्त संघ ही एकमात्र ऐसी फेडरेशन है जिसको तिरंगा बनाने और सप्लाई करने की अनुमति है, और यहाँ से ही पूरे देश में तिरंगा भेजा जाता है। फैक्ट नंबर 21, भारत में कई ऐसे लोग हैं जो पैसों के तंगी के कारण अच्छा इलाज अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो न्यू दिल्ली के गुरुद्वारा बांग्ला साहिब ने ज़रूरतमंदों के लिए दुनिया का सबसे सस्ता मेडिकल सेंटर शुरू किया है, जहां बाकी मेडिकल सेंटर्स में MRI स्कैन का कॉस्ट 6,000 से 12,000 रुपीज़ तक होता है, वहाँ बांग्ला साहिब में MRI स्कैन का कॉस्ट सिर्फ 50 रुपये है। फैक्ट नंबर 20, आपको जान के प्राउड फील होगा कि IISc यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के रिसर्चर्स ने दुनिया का पहला ऐसा बैंडेज बनाया है जो कि स्किन कैंसर को ठीक कर सकता है। फैक्ट नंबर 19, आजकल हर दूसरे दिन लड़कियों के साथ जबरदस्ती के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, और ज़्यादातर ये इंसिडेंट रेप का रूप ले लेते हैं। तो रशिया के कानून के तहत अगर कोई लड़की सेल्फ डिफेंस में रेपिस्ट को मार डाले तो उन्हें कोई सज़ा नहीं होगी। फैक्ट नंबर 18, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर हॉलीवुड के बेस्ट एक्टर्स में से एक है। 80s और 90s में आर्नोल्ड हॉलीवुड पे राज किया करते थे, उस समय वो सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर्स में से एक थे। तो टर्मिनेटर 2 भी में उनके कहे गए हर एक शब्द के लिए उनको $21,429 दिए गए थे, मतलब उनके एक शब्द की फी $21,429 थी। आज उनकी नेटवर्थ $500 मिलियन से भी ज़्यादा है। फैक्ट नंबर 17, डिफोरेस्टेशन आज एक बर्निंग प्रॉब्लम बन चुका है। लेकिन नासा का कहना है कि आज की धरती पिछले 20 सालों की धरती से ज़्यादा हरा है, और इसका क्रेडिट जाता है इंडिया और चाइना को। इंडिया और चाइना में सबसे ज़्यादा ग्रीनरी देखा गया है। फैक्ट नंबर 16, दुनिया में रास्ता ही एक जगह को दूसरे जगह से जोड़ता है, और पहले के ज़माने में रास्ता ही किसी जगह तक जाने का अकेला मार्ग था। तो क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे लंबा रास्ता कौन सा है? ये रास्ता केप टाउन और मगदन को जोड़ता है। ये कुल 22,387 किलोमीटर लंबा है, और अगर कोई नॉनस्टॉप इस रास्ते पर चले तो उसे केप टाउन से मगदन पहुंचने में 4,452 घंटे लगेंगे, यानी 187 दिन लग जाएंगे। फैक्ट नंबर 15, आज के समय में बहुत से जानवर और पक्षियाँ विलुप्त होने के कगार पर आ चुके हैं, उसमें से एक है कपाको। ये दुनिया के सबसे दुर्लभ पक्षियों में से एक है। इसे ओल पैरट भी कहा जाता है। ये पक्षी उड़ नहीं सकते और ये 95 साल तक जिंदा रह सकते हैं। और ये कुछ और जानवरों के नाम हैं जो कि हाल फिलहाल में पूरी तरह से विलुप्त हो गए हैं। सुमात्रन राइनो, चाइनीज पैरलसिस, यांगत्ज़ी जायंट, सॉफ्टटेल टर्टल, इंडियन चीता, स्पिक्स मकाओ, इंडो चाइनीज टाइगर, ये सब 2019 में पूरी तरह से विलुप्त हो गए हैं। और जवान राइनोस, माउंटेन गोरिल्लास, टाइगर्स, एशियन एलिफेंट, स्नो लियोपार्ड, ये कुछ ऐसे हैं जो कि विलुप्त होने के कगार पर आ चुके हैं। फैक्ट नंबर 14, दुनिया में हर मिनट हजारों एक्सीडेंट्स होते हैं। तो बार्सिलोना ड्राइविंग के लिए दुनिया के सबसे बुरे जगहों में से एक है। यहाँ हर 19 सेकेंड में एक एक्सीडेंट होता है। फैक्ट नंबर 13, ये है इजिप्शियन प्लोवर बर्ड। ये आज के समय का असल हिम्मत वाला है। जहाँ बाकी जानवर मगरमच्छों के आसपास भी नहीं भटकते, वहाँ ये सीधा मगरमच्छों के मुंह में जाकर बैठ जाता है। इसका असल रीज़न ये है कि ये मगरमच्छों के दांतों में लगा हुआ खाना खाते हैं, और इससे मगरमच्छों का भी दांत साफ हो जाता है, और इसलिए मगरमच्छ भी इनको नहीं खाते हैं।
फैक्ट नंबर 12, दुनिया में एक से बढ़कर एक आर्टिस्ट है और उनके पेंटिंग्स भी बेमिसाल है। ऑयल पेंटिंग एक टाइप का पेंटिंग स्टाइल है। तो ये देखिए, ये है दुनिया का मोस्ट अमेजिंग हाइपर रियलिस्टिक ऑयल पेंटिंग। इसे योंग सुंग किम नाम के एक आर्टिस्ट ने बनाया है। फैक्ट नंबर 11, आप लोगों ने पीले और हरे केले के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी लाल केले यानी रेड बनानास के बारे में सुना है? ये बहुत ही मलाईदार और मीठे होते हैं। ये हल्का सा रेसबेरीज जैसा भी लगता है। और शायद आपको पता ना हो, बनाना एक फल नहीं है, ये एक बेरी है। फैक्ट नंबर 10, चिकन टिक्का मसाला एक बहुत ही टेस्टी डिश है। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि चिकन टिक्का मसाला इंग्लैंड का नेशनल डिश है। ब्रिटिश ये डिश बहुत ही चाव से खाते हैं। फैक्ट नंबर 9, एप्पल आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल प्रोडक्शन कंपनी है। एप्पल अपने लाजवाब और महंगे आईफोन्स के लिए जाने जाते हैं। तो आईफोन के 25% यूजर्स टूटी हुई स्क्रीन के साथ ही आईफोन का यूज करते हैं। इसका एक कारण ये भी है कि आईफोन की तरह उसके स्क्रीन्स भी बहुत ही महंगे आते हैं। और रिसेंटली आईफोन 12 प्रो के लॉन्च ने पूरी दुनिया में बवाल मचा दिया है। लोग इसके प्राइस को लेकर बहुत ही नाखुश है, और भारत में तो इसका प्राइस बाकी देशों के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही है। अगर आप इंडिया में आईफोन खरीदने के बदले फ्लाइट से दुबई जाकर आईफोन खरीद के घर वापस आ जाए, तब भी आपके पास पैसा बचेगा। फैक्ट नंबर 8, कोरोना के इस दौर में ऑनलाइन स्टडी बहुत ही आवश्यक हो गया है। इस समय हर स्कूल कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, लेकिन यह सिस्टम भारत में इतनी अच्छी तरह से काम नहीं कर पा रहा है। जहां कई बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है, वहां कईयों के पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। जैसा कि आप जानते ही होंगे, भारत में ज़्यादातर जगह पर सिर्फ नाम का 4G नेटवर्क है। यहाँ नेटवर्क बहुत ही खराब है। तो मिलिए हरीश से। हरीश एक स्टूडेंट है जो कि राजस्थान से है। हरीश हर दिन पहाड़ पर चढ़ता है ताकि उसे अच्छा इंटरनेट कनेक्शन मिले और वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सके, और ये पिछले 3 महीनों से रोज पहाड़ पर चढ़ रहा है। फैक्ट नंबर 7, जनरली हम एक ही ब्लड टाइप के बारे में जानते हैं जो कि है रेड ब्लड, लेकिन दुनिया में और भी कई ब्लड टाइप्स पाए जाते हैं। RH null उन्हीं में से एक है। ये एक बहुत ही रेयर ब्लड टाइप है। इस खून का कलर गोल्डन होता है, इसलिए इसे गोल्डन ब्लड भी कहा जाता है। पिछले 50 सालों में सिर्फ 43 लोगों में ही ये ब्लड टाइप पाया गया है। फैक्ट नंबर 6, एक घंटे में सबसे ज़्यादा पेड़ लगाने का रिकॉर्ड फिलीपींस के नाम है। फिलीपींस के लोगों ने मात्र एक घंटे में 32 लाख पेड़ लगा डाले थे। फैक्ट नंबर 5, अल्बर्ट आइंस्टाइन, निकोला टेस्ला, स्टीफन हॉकिंग और भी कई इंटेलिजेंट लोगों में एक बात कॉमन है कि बाकी लोगों के तरह इनके बहुत फ्रेंड्स नहीं होते, इनके कुछ गिने चुने ही दोस्त होते हैं। रिसर्च में पाया गया है कि बुद्धिमान लोग औसत लोगों के तुलना में कम दोस्त रखते हैं। फैक्ट नंबर 4, स्ट्रेंजर थिंग्स जो कि एक बहुत ही हिट टीवी शो है, उसे 15 से 20 बार अलग अलग नेटवर्क्स ने रिजेक्ट किया था। इतने रिजेक्शंस के बाद फाइनली नेटफ्लिक्स ने उसे पिक किया और स्ट्रीम किया, और इसके बाद ये एक बहुत ही हिट टीवी शो साबित हुई। फैक्ट नंबर 3, बेंटली के औसतन कस्टमर्स के पास 3 गाड़ियाँ होती है, लेकिन बुगाटी के औसतन कस्टमर्स के पास 84 कार्स, 3 जेट्स और 1 प्राइवेट याच होता है। इससे ही पता चल जाता है कि बुगाटी के ज़्यादातर कस्टमर्स बिलियनियर होते हैं। फैक्ट नंबर 2, आज के समय फुटबॉल में सबसे ज़्यादा फेमस 2 खिलाड़ी है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी। तो ये एक कोइंसिडेंस है कि क्रिस्टियानो मेसी से 869 डेज बड़े हैं, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का सबसे बड़ा बेटा क्रिस्टियानो रोनाल्डो जूनियर भी मेसी के बेटे से 869 डेज बड़ा है। फैक्ट नंबर 1, दुनिया में एक से बढ़कर एक खूबसूरत मॉडल्स और सुपर मॉडल्स है, और ऐसे कई लिस्ट है जहां इन सभी के ब्यूटी के बेसिस पर इन्हें रैंक दिया जाता है। लेकिन साइंस के अनुसार ब्यूटी का मतलब थोड़ा अलग है। साइंस के अनुसार जिसका फेस का शेप सबसे परफेक्ट होगा वही सबसे ब्यूटीफुल है। तो साइंटिफिकली सुपर मॉडल बेला हैडिड दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला है। इनका फेस 94.35% परफेक्ट है। तो आज के लिए इतना ही। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए, नीचे कमेंट बॉक्स पर अपने सुझाव देने के लिए और वीडियो को शेयर करने के लिए आप सबका प्रेमपूर्वक दिल की गहराई से धन्यवाद।